गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपने एरिया के बारे में दिखाते हैं आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं रिंकू क्या कर रही है। हेलो रिंकू। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? खाना बना रही हूं। अच्छा, तो देख सकते हो दोस्तों रिंकू अभी खाना बना रही है। और रोहित क्या कर रहा है देखते हैं। क्या कर रहे हो रोहित? क्या कर रहे हो? ब्रश कर रहे हो? बिस्तर पे बैठे बैठे ब्रश हो रहा है। तो रोहित बिस्तर पे बैठे बैठे ही ब्रश कर रहा है। गुड मॉर्निंग बोल दो रोहित सबको। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। तो देख सकते हो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के नज़ारे आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। घूमने जा रहे हो आप? अच्छा, रोड पे जा रहे हो घूमने के लिए? अच्छा, बाल कटाने? अभी बाल तो उतना लंबा हुआ ही नहीं है। ठीक है, बाल तो टकला होना है। अरे बाप रे, मामा के घर जाओगे और टकले होके जाओगे तो क्या बोलेंगे उधर के लोग? रोहित तो टकला होके आ गया है, ऐसे बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। रोड पे जा रहे हो घूमने के लिए है ना? जाओ फिर, मैं तो खाना बना रही हूँ। जल्दी आना, फिर बड़े पापा को ऑफिस भी जानी है। ठीक है ना? बाय बाय। तो दोस्तों देख सकते हो ये हम अभी एरिया में आ चुके हैं। देख सकते हो दोस्तों ये सुबह सुबह के नज़ारे हैं और हम अभी घूमने के लिए निकल चुके हैं। और ये देख सकते हो आप सुबह सुबह के कितने अच्छे और कितने मस्त वाले व्यूज है, देख सकते हो आप सब। तो चलिए चलते हैं, आपको एरिया हमारा घुमाते हैं। और अभी हम लोग रास्ते में हैं और रास्ते में से चल रहे हैं। तो चलते रहिए और देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हो ये सारे फ्लैट्स बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये उन लोगों को मिलता है जिनको जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये उनको अलॉटमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। रोहित इधर देखो, क्या कर रहे हो? इधर देखो, आराम से घूमो, नाचो नाचो ना, आराम से, वहीं रुको ना, वहीं वहीं नाचो नाचो जल्दी से। अरे घूम फिर के कमर ही अंदर लचके वाला। हाँ, और अब नाचो वहीं खड़े होके। हाँ, आँखों वाले आँख से। हाँ हाँ, दोनों आँख से। हाँ, अब नाचो, घूमो तिरछा, घूमो तिरछा। दोस्तों देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने फ्लैटों में। और ये जो है ये फ्लैट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो आप देख सकते हो। रोहित क्या कर रहे हो? रोहित इधर देखो, क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, आराम से इधर देखो ना सामने, वहीं रुको, वहीं रुको। इधर देख के कर 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 कर, घूम घूम चारों तरफ घूम। आज आप धीरे धीरे इधर देख के, चलो
पापा पापा से बोलो ना क्रिकेट दिला देंगे, जाओ मैं मेरे से क्या आके बोल रहे हो, दादी तेरी मारेंगी तेरे को। हाँ मैं जा रही नहाने, हले वाह, इसको किटकैट चाहिए आयुष, किटकैट चाहिए सुबह सुबह, लगा दो तीन थप्पड़ ले, लगा भैया को। आज देख सकते हैं रिंकू पूजा कर रही है और ये हफ्ते में दो तीन दिन पूजा करती है क्योंकि अभी बच्चा छोटा है इसलिए रोज पूजा नहीं करती है, तो वीक में दो तीन बार जरूर कर लेती है। वाईफाई लग गया, इतना जल्दी लग गया, जब खाली रोहित लो टीका कर लो बेटा, रोहित टीका कर लो, अच्छे से करो, उठ के बैठो, पहले उठ के बैठो, आप उठो 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 ना, नहीं उठोगे देखो टीका भी टेढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो अब हम खाना खाने जा रहे हैं साथ में, तो गाइस अभी खाने का टाइम हो रही है और रोहित आप नहीं खाओगे? हाँ उसको तो बस आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, हमेशा फ़ोन ही चलाते रहते हैं, जब देखो तब दिन रात ये फ़ोन में घुसा ही रहता है, कितना समझा लूँ उसको। और खाने में बना है देखिए, ये पनीर की सब्ज़ी है और ये गोभी आलू का सब्ज़ी है और चावल और रोटी, इनको चावल के साथ रोटी खाना भी पसंद है, दो चार रोटी इनको हमेशा सुबह या शाम होना ही चाहिए, है कि नहीं रोहित के पापा? बिल्कुल है ना। तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए आप सब। और ये देखिए रोहन आ रहा है नीचे से, रोहन खाना नहीं खाओगे आप? रोहन तो खाई चीनी भात ही खाता है ना, है ना रोहन, चीनी भात दो आपको, नहीं नहीं क्यों, मटर भात तो खा लो, पनीर की सब्जी से खा लो, दे दूँ। और रोहित आप क्या खाओगे बोलो ना, क्या खाओगे, क्या दूँ, रोटी दूँ? मेरा अलग, ठीक है लड़ाई नहीं करना, दोनों आराम से बैठो, ओके। लगा रही है लड्डू का है ना, हाँ ओ बजाना रो, लड्डू बजाना ही है, बजाना ऐसे ऐसे, अरे वाह अरे वाह, बहुत हैप्पी हो रहा है, गिरेगा गिरेगा, चलाओ ना रोहित चलाओ, हाँ। तो दोस्तों देख सकते हो अभी आयुष का मालिश का टाइम चल रहा है और उसकी मम्मी जोर शोर से उसकी मालिश में लगी हुई है, देखिए आयुष कितना मजे ले रहा है मालिश का और वो पापा पापा कह रहा है क्योंकि अभी वो शुरुआती स्टेज पर है तो वो बोलना सीख रहा है, तो अभी मम्मी पापा दादा दादी ऐसे ऐसे कर कर के बोलता है। और रोहित को देख लीजिए, रोहित आनंद ले रहा है, टीवी का मजे ले रहा है। अरे देखो बेटा तो दोस्तों अब रात हो गया है और ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और देख सकते हैं रात के अब 11 बज रहा है तो अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि मुझे सुबह सुबह ऑफिस टूर पे उत्तराखंड निकलना है, तो उत्तराखंड पहुँच कर ही मैं आपसे मिल पाऊँगा और वहाँ के जो भी वातावरण होगा वो हम मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगा। बाय बाय, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए, टाटा बाय बाय।